Sahanabhavatu sahanobhunaktu sahaviryam karavavahai tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai om shanti shanti Shanti. Shri Sukru Maharaj ki jai. Om Namo Narayanaya. Om Namo Bhagavate Sivanandaya. 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 Om Namo Bhagavate Chidanandaya. 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 Om Namo Bhagavate Chaitanyanandaya. 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 Om. परब्रह्म परमात्मा के
asim kripasi. सभी गुरुजनों के अनुग्रह से हम यहाँ श्री विष्णु सहस्रनाम जो प्रसिद्ध है सभी जानते हैं उसका यथासंभव विचार उसका अर्थ पर विचार आरंभ करने जा रहे हैं। इसमें भगवत्पाद आदि शंकराचार्य जी के द्वारा रचित भाष्य भी है। इस भाष्य के आधार पर अर्थ करेंगे। तो इसके पहले पूज्य स्वामी जी महाराज को ओम नमो नारायणाय और उपस्थित सभी भक्तजनों को ओम हरि ओम ओम नमो। विष्णु सहस्रनाम जो ग्रंथ है ये महाभारत में भीष्म और युधिष्ठिर संवाद के रूप में आता है। श्री महाभारते शतसाहस्र्यां संहितायां वैयासिक्यां भीष्म आनुमानिके आनुशासनिके पर्वणि भीष्म युधिष्ठिर संवादे श्री विष्णोर दिव्य सहस्रनाम स्तोत्रम ऐसा ही ग्रंथ के अंत में दिया गया है। तो महाभारत तो प्रसिद्ध है। इसमें व्यास जी के द्वारा रचित होने से इसको वैयासिकी कहते हैं। उसमें 18 पर्व है। उसमें आनुशासनिक पर्व में भीष्म और युधिष्ठिर के संवाद के रूप में ये प्रकट हुआ है और इसकी इतनी महत्ता है कि अनेक सहस्रनाम है तो भी विष्णु सहस्रनाम की प्रसिद्धि ज्यादा है कि सभी शुभ कार्य में विष्णु सहस्रनाम का पाठ होता है और सभी इसको पाठ कर सकते हैं। इसके लिए कोई भेद नहीं। मनुष्य मात्र इसका पाठ कर सकते हैं। इसके कारण ये प्रसिद्ध हो गया है। वैसे 107 श्लोकों में उतने में ही सहस्रनाम आ जाते हैं लेकिन उसके पहले उसके पूर्व पीढ़िका के रूप में कहीं 13 श्लोक कहीं 15 श्लोक कहीं 17-18 ऐसे श्लोक प्राप्त होते हैं जो पहले पाठ किया जाता है और बाद में फलश्रुति के रूप में 22 श्लोक है। इस प्रकार ये सारे मिलाकर के विष्णु सहस्रनाम कहा जाता है। तो पाठ करने की विधि में पहले के कुछ श्लोकों का पाठ भी आवश्यक है और बाद में फलश्रुति भी आवश्यक होती है क्योंकि सभी जो भी कुछ धार्मिक कार्य हम करते हैं
फल के चिंतन करने के बाद ही करते हैं कि हम किस फल के लिए ये करना चाहिए। तो जो फल चाहता है वही उस पाठ के लिए, उस कर्म के लिए अधिकारी होता है। फल चाहने पर जिज्ञासा होती है कि उस फल के लिए कौन सा साधन होना चाहिए, और उस साधन सामग्री को एकत्रित करने के लिए व्यक्ति प्रवृत्त होता है। जितने तीव्र फलेच्छा होगी उतनी ही तीव्र साधन इच्छा भी होती है। तो ये सहस्रनाम का रूप है। अब ये इसका जो संवाद है यहां हमको मिलेगा वैशंपायन उवाच, ऐसा मिलेगा कि वैशंपायन ऋषि जनमेजय को सुना रहे हैं और वो सनक और भीष्म के संवाद को स्मरण करते हुए सुना रहे हैं। सनक ऋषि भीष्म पितामह को इसको उपदेश करते हैं और जैसा अभी मैंने कहा भीष्म पितामह युधिष्ठिर को उपदेश करते हैं और वही संवाद वैशंपायन और जनमेजय का है और ये सबको सुना रहे हैं। पुराण प्रसिद्ध पुराणवाचक ऋषि श्री सूत जी महाराज शौनकाद ऋषियों को सुना रहे हैं। ऐसे एक से एक संवाद जुड़ा हुआ है। ऐसे हमारे पुराणों में आप देखते हैं तो इसी प्रकार मिलता है, भागवत हो या अन्य रामायण हो कोई भी, अब देखते हैं एक से एक संवाद होता है। मैंने श्रवण परंपरा से ये प्राप्त हुआ होता है और उसी को हम अपने गुरुजनों से सुनते हैं फिर दूसरे को सुनाते हैं, ऐसी परंपरा है। तो ये महाभारत में अनुशासनिक पर्व में 149वां अध्याय है विष्णु सहस्रनाम, 149th चैप्टर होता है। यदि जीवन में कोई आप ग्रंथ को पढ़ना चाहते हैं, हम महाभारत को एक बार पढ़ लेना चाहिए कि महाभारत ऐसा एक विशिष्ट ग्रंथ है जिसमें चारों पुरुषार्थों की सारी बातें हैं, धर्म आचरण के बारे में है, सृष्टि के बारे में सब कुछ है। अन्य कोई भी ग्रंथ आप अध्ययन नहीं कर सके, वेद अध्ययन नहीं कर सके, उपनिषद अध्ययन नहीं कर सके, कोई बात नहीं, महाभारत को एक बार पढ़ लेना चाहिए। अभी देखिए श्रीमद् भगवद गीता भी महाभारत की ही अंक है, विष्णु सहस्रनाम भी महाभारत के अंक है। इसी प्रकार अनेक अनेक ग्रंथ है जो महाभारत के ही अंतर्गत है। भागवत का भी मूल महाभारत में आता है, रामायण का भी मूल महाभारत में मिलता है। ऐसे बहुत विशिष्ट ग्रंथ है महाभारत। तो ऐसा महाभारत में सभी पुरुषार्थ प्राप्ति के लिए चार हमारे पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उसके लिए जो जो साधन है चाहिए सब कुछ बता दिया। इसी कारण से
सभी लोग कहते हैं, हमारे गुरु परंपरा में कहते हैं कि अन्य ग्रंथों का अध्ययन का अधिकारी नहीं होने पर महाभारत का अध्ययन जरूर कर लेना चाहिए। तो जैसा भी है, जैसा आपको समय मिले उस पर आप ध्यान दें। अभी यहां हम सहस्रनाम का अर्थ चिंतन करेंगे। कि सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है कि यह सहस्रनाम किसके लिए चाहिए। हजार नाम का उच्चारण क्यों करना है, किसका नाम है? सभी जानते हैं ये भगवान का नाम है, भगवान विष्णु का नाम है, इसलिए विष्णु सहस्रनाम नाम दिया है। तो विष्णु सहस्रनाम नाम दिया है इसलिए विष्णु का नाम है, ये प्रसिद्ध है। किंतु उनको सहस्रनाम से पूजन क्यों करना चाहिए? और ये भगवान विष्णु कौन है, भगवत तत्व क्या है, और भगवत तत्व को एक नाम से कोई श्री कृष्ण या विष्णु शिव कोई भी एक नाम से पुकारने से हो जाएगा? नाम तो पहचान के लिए है, पहचान तो एक नाम से भी हो जाता है। ऐसे में अनेक नामों की क्या आवश्यकता है, एक प्रश्न तो ये होता है। दूसरा, ईश्वर कोई तत्व है या नहीं? ईश्वर है, हम मानते हैं ईश्वर है या नहीं, इस पर भी विचार करना चाहिए। तो ईश्वर तत्व को हम मानते तो हैं। ईश्वर का लक्षण दिया सच्चिदानंद, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान, ऐसा लक्षण दिया। अब इसमें हम सहस्रनाम में देखते हैं तो सहस्रनाम के एक रूप बताया जाए तो उसमें सामान्य रूप से कह सकते हैं ये स्तुति है। किंतु वो स्तुति के अंतर्गत ईश्वर के सृष्टि विचार है। ईश्वर सबका सृजन करता है, तो सृष्टि के संबंध में जितने भी हैं उसके ऊपर विचार है। और ईश्वर सबका कारण है, यानी उपादान कारण, ईश्वर से ही सब कुछ बना हुआ है, इस पर भी विचार है। मैंने नाम बनाने के तरीका में ये सब जोड़ दिया। और ईश्वर क्या क्या पराक्रम करते हैं, क्या क्या लीलाएं करते हैं, उन पर भी विचार है, उनको भी विचार में रख करके नामों को बनाया गया। और कुछ नाम ऐसे हैं ईश्वर के साथी संबंधियों के बारे में है। तो ये सृष्टि और स्थिति और संहार, साथ में स्थिति काल में जितनी भी लीलाएं हैं, इन सब का विचार यहां है। तो सहस्रनाम का पर्यालोचन करने पर आपको तत्वज्ञान हो जाए, इस प्रकार से उसको समझोया है। उपनिषद जिस तत्व को कहते हैं
उसी तत्व को ही सहस्रनाम भी प्रतिपादन कर रहा है। वेद का जो आचरण विचरण आचार विचार जो नियम है धर्म है अधर्म है ये भी सब इसमें जोड़ा हुआ है। आपको दिखता है ये केवल नाम है ऐसा दिखता है, किंतु जब आप अर्थ विचार करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इसमें पूरा उपनिषद ही बता रहा है। और उस रूप से तत्वज्ञान होने से ये सहस्रनाम के माध्यम से तत्वज्ञान होने से मोक्ष प्राप्त होगा, परम पुरुषार्थ प्राप्त होगा। तो इसलिए इसमें अधिकारी हो जाता है कि भगवान को जानने की इच्छा रखने वाले अधिकारी हो जाते। तो भगवान के उस रूप को उस व्यापक रूप को उपनिषद वेद्य ब्रह्म रूप को मन में धारण करके ही इस सहस्र नाम को पढ़ना चाहिए, तब जाके आपको उसका आनंद होगा और जो आप पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं वो प्राप्त हो। और इसके लिए जिसका नाम दिया है भगवान उसका पहले एक स्मरण करना चाहिए। तो यहां शंकराचार्य जी के द्वारा रचित शंकराचार्य जी के नाम से ये भाष्य प्रसिद्ध है विष्णु सहस्र नाम का। उस भाष्य में कुछ ध्यान श्लोक दिए हैं तो वो भगवान का स्वरूप का वर्णन है। और उसके बाद में फिर हम ग्रंथ में जो पहला श्लोक जितने भी है उसको लेंगे। कई पाठ भेद भी है, जैसा मैंने कहा कोई ग्रंथ में विष्णु सहस्रनाम के पहले 13 श्लोक दिए हैं और कोई ग्रंथ में 15 श्लोक है। यहाँ शंकर भाष्य के जो ध्यान श्लोक है उसमें लिखते हैं, आपके पास ग्रंथ है उसमें देख सकते हैं। सच्चिदानंद रूपाय कृष्णाया क्लिष्टकारिणे नमो वेदांत वेद्याय गुरवे बुद्धि साक्षिणे, ये पहला श्लोक है। सच्चिदानंद रूपाया, सत चित और आनंद रूप वो परमात्मा है। कृष्णाया अक्लिष्ट कारिणे, कृष्ण भगवान का नाम है और सारे कष्ट को दूर करने वाले हैं। अक्लिष्ट कारिणे कष्ट को दूर करते हैं, ऐसे भगवान हैं। और वेदांत वेद्याय नमः, वेदांत के द्वारा जिसको जाना जाता है, वेदांत यानी उपनिषद, उपनिषद के द्वारा जिसको जाना जाता है वो भगवान है। और गुरवे बुद्धि साक्षी, हमारे बुद्धि के वो साक्षी हैं। हमारे मन में जो जो चलता है उसका सब वो वेत्ता है, ज्ञाता है, वो अंतर्यामी रूप से रह करके सबको संचालन करता है। इस शरीर को तो संचालन करता ही है किंतु सभी प्रपंच को संचालन करता है। यही इसका मूल तत्व है।
इस मूल तत्व के आधार पर पूरा सहस्रनाम चलेगा। अभी जैसा हमने बताया, एक एक नाम का विचार जब करेंगे तो उसका जो आंतरिक तत्व है वो हमारे मन में स्फुरित हो जाए, तब सहस्रनाम के द्वारा तत्वज्ञान हो जाता है। वैसे ये प्रसिद्ध तो है, लेकिन इस पर कोई अर्थ विचार कोई नहीं करते। सहस्रनाम है, सभी नाम पढ़ सकते हैं, हमको परिचित जैसा लगता है, इसलिए इसमें क्या है, कोई विशेष जानने की कुछ नहीं है, ऐसे सोचते हैं। हमको पढ़ना चाहिए उपनिषद जैसे बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, लेकिन शास्त्र में अर्थ विचार की दृष्टि से, तात्पर्य की दृष्टि से सभी ग्रंथ महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सभी ग्रंथों का ध्येय एक ही होता है। ये चार प्रकार का पुरुषार्थ, उसमें अंतिम में परम पुरुषार्थ की प्राप्ति। इसलिए यहां भी भगवान को सच्चिदानंद रूप में ध्यान किया है, स्मरण किया है, तो सच्चिदानंद रूप आया, सत और चित आनंद रूप में यह स्थित है। ऐसा पहले सब बुद्धि के साक्षी परमात्मा को स्मरण किया, जिसको हम ईश्वर तत्व ऐसा जानते हैं। ईश्वर तत्व का अर्थ होता है सबको शासन करने वाला, तो सबको शासन करता है उसको ईश्वर कहते हैं। तो शासन कैसे करता है, सबके अंतर्यामी रूप से रह करके शासन करता है, सभी के अंदर रह के शासन करता है। एक हमारा शासन होता है जैसे सरकार पुलिस आदि शासन करते हैं, वो शासन तो सीमित होता है, परिच्छिन्न होता है, वो सब जगह नहीं पहुंच सकते। लेकिन भगवान का शासन सर्वत्र पहुंचा हुआ होता है। तो मैं इसलिए इस विषय को यहां उपस्थित कर रहा हूं कि ये जो नाम हम समझने जा रहे हैं, जानने जा रहे हैं, ये सर्वत्र व्यापी, सबके अंतर्यामी, सबके शासक, सर्वज्ञ, उस परमात्मा का स्वरूप का कथन होना जा रहा है। तो अभी जैसा मैंने कहा कि यदि आपको उसको जानने की जिज्ञासा है तभी आप इसका श्रवण का अधिकारी बनते हैं, तभी आपके मन में इसको जानने के लिए एक तीव्र इच्छा पैदा होगी, और तीव्र इच्छा होने से इसका ग्रहण और फल होगा। ईश्वर को तो सभी मानते हैं, है ना, आप लोग सब ईश्वर को मानने वाले हैं, तो क्यों ईश्वर को मानना चाहिए? ईश्वर तत्व कैसे होता है, वो सदरूप से सभी के अंदर कैसे प्राप्त होता है, वो सर्वज्ञ कैसे होते हैं? बहुत सरल सा लगता है, वो सब कुछ जानता है। ऐसे हम कह देते हैं ईश्वर सबके अंतर्यामी है, किंतु उस पर सही विचार होना चाहिए। ये केवल मान के चलना नहीं, उसका अनुभव करना चाहिए।
तब आनंद आए। अब ईश्वर तो शासक है, सबको शासन करता है, लेकिन आज तक हमने ईश्वर को शासन करता हुआ नहीं देखा। ईश्वर सबकी व्यवस्था करता है, स्थिति करता है, सबको संचालन करता है, लेकिन आज तक हमने ईश्वर को संचालन करते हुए नहीं देखा। तो ये मन में शंका रह जाती है कि करता है तो कैसे करता है, तो काम तो हम कर रहे हैं। वैसा तो एक एक नाम में हम इसका विस्तार तो करेंगे, लेकिन सामान्य रूप से हमें ये श्लोक के आधार पर उस सच्चिदानंद भगवान का ध्यान आना चाहिए। देखिए कि हमारा जीवन जब हम देखते हैं, इस सृष्टि में कुछ भी हम देखते हैं, ये पराश्रित होता है, यानी दूसरे पर आश्रित होता है। आप धन कमाते हैं, लेकिन आप स्वतंत्र रूप से धन नहीं कमा सकते। धन कमाने के सामर्थ्य आपके पास जरूर है, लेकिन धन कमाने के लिए आपको दूसरों पर आश्रित होना पड़ता है, आप स्वतंत्र नहीं होते। धन कमा करके लाए, धन तो प्राप्त हो गए, अब उसको प्रयोग करना है, प्रयोग करने के लिए भी दूसरे पर आश्रित होना पड़ता है। आपके पास धन आ गया, धन का हिसाब सरकार को देना पड़ता है, ऑडिटिंग करना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है। ये भी नई भी है तो आप घर में धन रखे हैं, किसी को देना चाहते हैं, तो घर में पति को पत्नी से पूछना पड़ेगा, पत्नी का परमिशन चाहिए कि मैं ऐसे पैसा इस्तेमाल करना चाहता हूं। पत्नी यदि करना चाहती है तो पति का परमिशन चाहिए, पुत्र करना चाहता है तो पिता का परमिशन चाहिए, उसके बिना नहीं कर सकते। तो वहां भी परतंत्रता है, स्वतंत्र रूप से हम नहीं कर पा रहे। अब जब सुरक्षा की बात देखते हैं कि हमारे पास जो शासन है, जैसे पुलिस है, पुलिस के अधिकारी होते हैं, आईपीएस अधिकारी होते हैं, उनके अधीन एक जिला का पूरी व्यवस्था और सुरक्षा उनके अधीन रहता है। लेकिन जब आप उस अधिकारी को देखते हैं जो पूरे जिला की सुरक्षा करता है, सबको अपने व्यवस्था में चलाने के लिए रखता है, तो जब आप अधिकारी को मिलने जाएंगे तो उसके चारों तरफ चार पांच पुलिस तो खड़े रहेंगे। इसका मतलब जो सबके सुरक्षा करता है उसको भी बहुत ज्यादा सुरक्षा की इंतजाम होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप स्वयं सुरक्षित नहीं है, दूसरे की सुरक्षा कैसे कर सकते। ऐसे ही आप उसके ऊपर के अधिकारी के पास जाइए, जो आईपीएस अधिकारी के भी ऊपर के अधिकारी कमिश्नर आदि होते हैं, उनके पास जाएंगे तो और सुरक्षा उनको मिले, तो आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि जो हमको सुरक्षा दे रहे हैं, हमारे सब व्यवस्था करने के जिम्मा संभाले हुए हैं, तो ये तो स्वयं डरे हुए हैं, स्वयं अपने को असुरक्षित समझ रहे हैं। ऐसा होता है, वो सुरक्षा कवच से बाहर स्वतंत्र रूप से विचरण नहीं कर सकता। यदि वो ऑफिसर कहीं बाहर जाना चाहते हैं
तो सुरक्षा कर्मियों के निर्देशों के अनुसार जा सकते, उनके ऊपर के जो पदाधिकारी है उनका परमिशन तो चाहिए, वो बात अलग है। हर जगह उनके साथ गाड़ियां, पुलिसकर्मी और अन्य प्रकार की सुरक्षा साथ में चलते हैं। इसका मतलब ये स्वयं अपने को सुरक्षित अनुभव नहीं करते हैं। तो वो कैसे सुरक्षा दे सकता? तो हमें एक ऐसी सुरक्षा चाहिए, हमें डर लगे नहीं कभी, ऐसी सुरक्षा चाहिए जो स्वतंत्र रूप से रहे। तो उसका हम देखते हैं कि कितने आगे जाकर के हम विचार करके देखते हैं तो एक परम स्थिति में पहुंचता है जो सबको सुरक्षा देता है और स्वयं कोई सुरक्षा की इच्छा नहीं करता, जिसके लिए कोई सुरक्षा की आवश्यकता नहीं। ऐसे एक परम तत्व, परम स्थिति की आवश्यकता है। वह एक ऐसे पद होना चाहिए, सबको सुरक्षा दे रहे हैं लेकिन स्वयं को कोई सुरक्षा की आवश्यकता नहीं। तो वो तत्व, उस तत्व को हम ईश्वर नाम से कहते हैं। अब देखते हैं जो भी बड़े होंगे वो जब डर जाते हैं तो ईश्वर का नाम लेते हैं या अपने अपने धर्म के अनुसार उनका नाम लेते हैं। जब आपको सबसे ज्यादा सुख चाहिए होता है, वैसे तो विषयों का सुख का बहुत विस्तार है, उसमें एक एक से आप सुख चाहते हैं लेकिन वो पूरा नहीं होता, तो सबसे ज्यादा सुख चाहिए वो भी पूरा स्वतंत्र होना चाहिए। जैसे हमारे अभी का जो सुख है ना, ये तो विषयों पर आधारित है कि वो विषय मिले तो हमें वो सुख मिले, अच्छा भोजन मिले तो सुख मिले, स्वास्थ्य ठीक रहे, शरीर ठीक रहे तो सुख मिले, घर में सभी ठीक है तो हमें सुख मिले। तो आप देखिए, आपका सुख का सुख को आप ढूंढने जाएंगे तो पता चलेगा कि सभी के पास है, वो आपके पास नहीं है। विषय आएगा तो सुख मिलेगा। तो ऐसा देखा जाए तो सुख जब ढूंढते हैं तो पराश्रित दिखता है, और पराश्रित सुख को प्राप्त करने के लिए जिंदगी भर हम प्रयत्न करते रहते हैं, वो होता ही नहीं है, बदलता रहता है। जैसा अभी मैंने कहा, जिसकी सुरक्षा दूसरे पर आश्रित है वो कभी सुरक्षित हो सकता है क्या? जिसका सुख दूसरे पर आश्रित है वो कभी सुखी नहीं हो सकता। इसीलिए हम सोचते हैं कि ये और क्या हो सकता है जिसके बाह्य आश्रित हुए बिना हम अपने को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा कौन सा तत्व हो सकता है, क्या चीज ऐसी हो सकती? तब हम ऐसे व्यापक तत्व के बारे में विचार करते हैं। ये भगवान के सुख रूप है, सच्चित आनंद स्वरूप। अब चित्त की बात करें तो जानकारी है, ज्ञान को चित्त कहते हैं, ज्ञान है ना, ज्ञान। हम सभी पढ़े लिखे हैं, हम सब जानकार हैं, लेकिन हमारा ज्ञान कितना है ये देखने के लिए केवल एक दृष्टांत काफी होता है। हमारे पास ये शरीर है, शरीर कब से आपके साथ है? अलग अलग उम्र है, आप बोलेंगे इतने साल से हमारे साथ है,
किसी का 50, किसी का 60, किसी का 70, किसी का 80, किसी का 40, 30, जितना भी हो। तो इतने समय से ये शरीर आपके साथ है, आप ये मानते हैं ये शरीर मेरा है और ये मैं शरीर से अत्यंत जुड़ा हुआ हूं, कभी ये शरीर से आप बिछड़ा नहीं है, है ना। तो मतलब इतने आपके साथ है ये शरीर, तो हो तो ये शरीर के बारे में सारे जानकारी आपको होनी चाहिए थी, होना कि नहीं होना चाहिए था। कि बाकी जैसा आप कोई नए जगह पर जाते हैं तो वहां जानकारी लेने में आपको तो टाइम लगता है, कुछ समय के बाद उस जगह की जानकारी आपको हो जाती है। कोई दुकान में कोई सामान खरीदने जाते हैं, कितने समय लगते हैं, दुकान में कितने सामान है, क्या क्या है, उसका रेट क्या है, सारा मालूम होने पर बहुत समय लगता है। तो सारा मालूम करते हैं आप, किंतु आपके साथ ये शरीर है, आप तो बहुत पढ़ा लिखा भी है, लेकिन इस शरीर की जानकारी आपको कितने हैं, नहीं है। तो ये एक चीज आप रखो, बाकी सब पता चलेगा कि आपका आपकी जानकारी कितनी कम है। कि शरीर में कोई दर्द हो गया, दर्द हो रहा है सिर में, अब क्यों सिर में दर्द हो रहा है आपको मालूम है, दर्द से पीड़ित है, आप उपचार के ऊपर उपचार करते जा रहे हैं, ठीक नहीं हो रहा, तो भागता है डॉक्टर के पास, वहां जाकर डॉक्टर को बताता है कि ऐसे सिर में दर्द हो रहा है, ये हो रहा है। अब डॉक्टर भी इधर उधर देखता है, उसकी सारी जानकारी जुटा लेता है, आपसे पूछ लेता है कि कब हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, आप जो जो बताते हैं उस पर वो विश्वास करते। अब है डॉक्टर भी पढ़ा लिखा है, बहुत पैसा खर्च करके पढ़ाई की है, वो भी पूरी जानकारी नहीं कर पाते, तुरंत वो बोलता है कि ये टेस्ट करो, वो टेस्ट करो, फिर टेस्ट के लिए लिखता है, आपको कोई मशीन में डाल दिया जाता है, फिर टेस्ट करते हैं, फिर उससे रिपोर्ट आता है, अब वो भी देख लेता है तो भी पक्का नहीं होता, फिर वो कुछ दवाई दे देते हैं अपनी तरफ से, ऐसे चलता है। अब किसको है इसकी जानकारी, सिर दर्द का जानकारी किसको है, किसी को भी नहीं, अंधा तो कहता किसी को भी नहीं। अब वो डॉक्टर यदि ठीक है, अच्छा एक्सपीरियंस्ड है, तो उसकी दवाई से कभी ठीक हो सकता है, कभी कभी ठीक नहीं भी होता है, कभी ऐसा होता है कि आपको लगता है सिर में दर्द है, अब होगा वो पेट का दर्द या और कहीं पीठ का दर्द होगा, लगता है सिर में, ऐसे होता है कभी कभी। तो आप सिर का दर्द बोल देते हैं तो डॉक्टर उसी प्रकार काम करते हैं, उसको पता नहीं है, क्योंकि खुद जब डॉक्टर बीमार हो जाते हैं वो दूसरे डॉक्टर के पास जाता है, वो भी जाकर मशीन में टेस्ट करता है। ये जितने कुछ संयुक्त रूप से बने हुए हैं, माने संयुक्त माने आप समझते हैं सभी को जोड़ करके, जो कॉम्प्लेक्स चीजें होती है मिला करके बने आए हुए, इसकी एक एक को जानकारी, एक एक की जानकारी मिला करके रखना पड़ता, तब ये होता है। और हमारे शरीर इतने सब का संघात है, इतने सारे चीजें इसमें जुड़ी हुई है, ये सामान्य कोई व्यक्ति जो उसमें रहता हुआ भी 50, 60, 70, 80 साल रहता हुआ भी पूरी कोशिश करता करने के बावजूद भी नहीं रख सकते, समझ रहे हैं? तो अब सोचिए आपका ज्ञान कितना लिमिटेड है। तो आप अभी अपने जानकारी को लेकर के विचार करेंगे तो शरीर के बारे में आप नहीं जानते हैं, तो ये जो जगत है इसमें इतना सब मिश्रण है, इतना सब कुछ मिलाया है और सबको व्यवस्थित रखा है, सभी कुछ अपने ढंग से पूरा व्यवस्थित रूप से चल रहा, जो समय पर जो होना है वही होता है, जिसका जो परिणाम होना है वही परिणाम होता है, जिसका जो फल होना है वही फल होता है,
जो जिस स्थान में होना चाहिए उस स्थान में होता है, जिसको जिस काल में होना चाहिए उसी काल में होता है, है ना। तो अब ये सोच लो कि यदि ये शरीर को बनाने वाले पूरी इसकी जानकारी नहीं रखते तो ये शरीर नहीं बनता। आपने ये शरीर को बनाया नहीं है, क्यों? आपकी इसकी कोई जानकारी नहीं है कि कैसे बनाया, क्या क्या जोड़ा, कहां कहां जोड़ा, कब क्या खराब होता है, कुछ भी पता नहीं है, ठीक है ना। आपको कुछ कुछ जानकारी रहती है, जैसे आटा को लेकर के उसमें पानी मिला के गूंद के तैयार करके फिर रोटी के रूप में बेल करके पकाने का, ये इतनी सब जानकारी आपको है, अब पका सकते हैं। इधर उधर जो पड़ा हुआ मटेरियल निकाल करके सब मकान बना देते हैं, ये भी जानकारी आपको पता रहता है कि किसमें क्या क्या मिलाया हुआ कैसा है। तो जो आपने बनाया उसका आपको कुछ ना कुछ ज्ञान रहता है कि ये ऐसे ऐसे बन गया। कोई पूछेंगे रोटी कैसे बनी है तो आप बोलेंगे ऐसे ऐसे हमने किया, उसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, ऐसे ऐसे होकर के रोटी बन गया। और वो कभी इधर उधर जल जाता है, कुछ होता है तो भी मालूम पड़ता है इसके कारण जल गया, आग ज्यादा हो गया, गर्म ज्यादा हो गया, ऐसे मालूम पड़ता है। इसका मतलब आपने यदि बनाया होता तो आपके पास ये जानकारी जरूर रहती, ठीक है। तो जितना आप बनाते हैं उतनी जानकारी है, इससे पता चलता है। तो ये शरीर को भी हमने नहीं बनाया, ये प्रपंच में ऐसा शरीर तो एक वस्तु के बारे में हमने कहा, इस प्रकार के एक एक वस्तु को आप निकालो कैसे बना, इसमें क्या होता है, इसका कोई पता जानकारी आपको नहीं है। तो हमें ऐसे अनुमान करके, सोच करके स्वीकार करना पड़ेगा कि कोई ना कोई एक जानकार, पूरा पूरा जानने वाला कोई ना कोई है, नहीं तो ये संयोग ये आपस में जोड़े के कैसे, कहां से कहां किसको ला करके जोड़ देते हैं। हम सोचते हैं जिसको हम जोड़ रहे हैं वो भी वास्तव में हमारा हुआ जोड़ा हुआ नहीं होता। जैसे शादी विवाह आदि होते हैं ना, इसमें आप देख लो कि एक पुरुष दूसरे जगह का होता है, एक स्त्री दूसरी जगह की है, अलग अलग परिवार में इनका कोई संबंध नहीं है। बाद में संयोग से दोनों साथ में आ जाते हैं, साथ में आने के बाद कहने लगता, अरे यदि तुम मेरे साथ नहीं होती तो हमारा जीवन क्या होने वाला। वो सोचता है, सोचती है कि मैं ये नहीं होता तो हमारा क्या होने वाला। तो ये तो बहुत आश्चर्य हो गया कि हम दोनों साथ में हो गए, अब किसने किया ये, दोनों अलग अलग समय जन्म लिए, उनको पता नहीं था कि कहां क्या होने वाला है, लेकिन जोड़ दिया, जोड़ करके फिर परिवार बन गए, फिर सुखी रूप से अपने कर्तव्यों को, धर्मों को पालन करते हुए जैसा भी है सब कुछ चल रहा है, और कई सालों तक 50, 60, 17 साल तक एक साथ अपने जीवन बिताते हैं, ये भी एक संयोग है। तो हमें लगता है कि हमने किया, लेकिन हमने किया नहीं है। तो आप कह देते हैं कि भगवान ने हम दोनों को एक कर दिया। तो ऐसा कोई भगवान है, अब वो सबको जानते हैं। एक बार दिन में कम से कम इस प्रकार एक तत्व को जोड़ करके आप चिंतन करेंगे तो आपको भगवत साक्षात्कार होने में कोई देर नहीं लगेगी, कोई नहीं देर लगेगा, कि आपको पूरा विश्वास हो जाएगा कि ये है कोई, कोई कर रहा है। अब हम जानकारी की बात करते हैं तो आजकल लोग क्या है, जानकारी या नॉलेज
ज्ञान सब सुनने से ये सोचते हैं कि हम किताब पढ़ने से हमको ज्ञान होता है, इंटरनेट देखने से आजकल बहुत ज्ञान मिलता है, यूट्यूब में से बहुत जानकारी हो जाती, ये पढ़ने से वो पढ़ने से ज्ञान मिलता है, वस्तुओं का ज्ञान दे करके प्राप्त करते हैं, कुछ सुन करके प्राप्त करते हैं, ऐसे सब होता है। लेकिन सामान्य रूप से मैं बोल रहा हूं कि ये ज्ञान के लिए आप दूसरे के आश्रित में रहेंगे तो जैसा पहले कहा कि अपने सुरक्षा के लिए आप दूसरे की सुरक्षा लेते हैं तो कभी सुरक्षित अनुभव नहीं कर सकता। इसी प्रकार हमारा ज्ञान तो इन इंद्रियों के आश्रित है कि जब इंद्रियां काम करेंगी तो ज्ञान होगा, इंद्रियां काम नहीं करेंगी तो ज्ञान नहीं होगा, मन काम नहीं करेगा तो ज्ञान नहीं होगा। वो ज्ञान परिच्छिन्न होता है। आप ज्ञान इंद्रियों के द्वारा प्राप्त करते हैं, कितने भी आप प्राप्त करो वो परिच्छिन्न होता है, मन के द्वारा प्राप्त करते हैं तो परिच्छिन्न होता है, वो पूरा नहीं हो सकता। तो भगवान का जो ज्ञान है, सर्वज्ञता है, वो कोई भी माध्यम से प्राप्त नहीं होता। उनके पास इंद्रियां नहीं रहती है, भगवान के पास मन नहीं रहता है, इंद्रियां नहीं रहती, इसलिए उनका ज्ञान सत्य होता है, पूरा होता है। यदि भगवान के पास भी मन होता, मन के द्वारा ज्ञान प्राप्त करता, वो भी परिच्छिन्न ही होता। इसलिए भगवान का ज्ञान निरुपाधिक है, सत्य होता है, उसको कोई मीडिया की जरूरत नहीं पड़ती कोई ज्ञान रखने के लिए। वो जो घटना घट जाती है वो उनके ज्ञान में ही होता है, और जो घटना घटने वाली है वो भी उनका ज्ञान में रहता है। अब वो ज्ञान हमारा नहीं होता है कि आगे क्या घटने वाली है, हमको पता नहीं चलता। कारण क्या है कि हम मन इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो हमारा मन इंद्रियां जहां तक पहुंचती है वहां तक होता है, उसके आगे नहीं होता है, इसलिए आगे का हमको पता नहीं चलता, जो बीत गया उसका भी पता नहीं चलता, ये परिच्छिन्न होता है। इसलिए ज्ञान के बारे में चिंतन करते समय हम अपरिच्छिन्न ज्ञान के बारे में, मन जो कोई सीमा से सीमित नहीं है, किसी पर आश्रित नहीं है, इंद्रिय आदि किसी के सहायता के बिना प्राप्त होता है, इसलिए भगवान को हम इंद्रियातीत मनातीत ऐसे कहते हैं। उनके पास जो कुछ है वो जो स्थिति में है सब कुछ पूर्ण ही रहता है, अपूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि अपूर्णता परिच्छेद के कारण आता है, अपूर्णता कोई माध्यम के कारण आता है, नहीं तो अपूर्णता नहीं। ठीक है, तो वो है सच्चिदानंद भगवान। अभी एक सत्य है, सदमन सभी में रहता है, सभी के अंदर रहता है, सभी के बाहर रहता है, सबका वो स्वरूप है जिसको हम उपादान कारण बोलते हैं, मेटीरियल कॉज बोलते हैं, और सबका वो निर्मादा है। तो जो निर्मादा होगा ना, सही निर्मादा होता है, वो उसका जानकारी रखता है। जैसे हमने रोटी का दृष्टांत दिया, रोटी आप बनाती है तो आपको उसकी जानकारी रहती है। यदि भगवान जगत को बनाता है तो भगवान को जानकारी रहती है, और भगवान जगत को बनाता है ऐसा आपको स्वीकार करना पड़ेगा, इसीलिए कि जो भी हमको दिखाई पड़ता है कोई ना कोई बनाया हुआ दिखाई पड़ता है। अभी यह मकान दिखाई पड़ रहा है तो वो तो देख करके कोई बताएंगे ना, ये किसी ने बनाया होगा, बनाए बिना मकान कैसे हो सकता है। तो जब ये बनाया हुआ है तो बाहर जो पेड़ है वो क्या नहीं बनाया हुआ है, समुद्र है बनाया हुआ नहीं क्या, मिट्टी है बनाया हुआ नहीं क्या, पहाड़ है, कितने सुंदर सुंदर पहाड़ होते हैं, ये भी तो किसी ने बनाया होगा।
तो आप जब मटेरियल लगा करके बनाते हैं तो आपको दिखाई पड़ता है हमने बनाया, तो ये सब मटेरियल किसने बनाया, ये भी तो किसी ने बनाया होगा, और कोई रास्ता नहीं, आपको स्वीकार करना पड़ेगा बनाया ही होगा, बिना बनाए नहीं आ सकता। कई चीजें हमने देखा नहीं, हम आने के पहले हमारे जन्म के पहले ही यहां बना हुआ दिखता है, कई चीजें हमारे सामने बनी है, अब ये जो हॉल है हमारे सामने बनी है, हमको दिखाई पड़ा कि पहले ये नहीं था, फिर यहां अब सृजन हो गया। अब ये पेड़ पौधे पहाड़ आदि जो है हम आने के पहले से, हां सूर्य चंद्र तारे आदि पता नहीं कब से है, तो तब हम कहते हैं नहीं नहीं ये किसी ने बनाया नहीं, क्यों हम नहीं देखा है। अरे आप नहीं देखा तो क्या हुआ, आप तो बहुत कुछ नहीं देखे हैं, इसका मतलब जो नहीं देखा वो नहीं है बोलना ठीक नहीं, तो बनाया ही होगा। जैसे आपने अपने दादा परदादा परदादा के परदादा को देखा है क्या, देखा तो नहीं है, तो इसका मतलब आपने दादा को देखा होगा या परदादा को देखा होगा ज्यादा से ज्यादा, उसके पीछे नहीं थे क्या कोई, अब वो कहाँ रहे थे, क्या खाए थे, उनकी जो है परदादी कौन थी, और क्या करते थे वो लोग, कैसे करते थे, कुछ पता है क्या, कुछ नहीं पता, तो वो पता नहीं है इसका मतलब वो नहीं थे, उन्होंने कुछ किया नहीं, फिर आप ऐसे हो ही नहीं सकता। देखो इतना भी हम सोचते नहीं है, हम तो हमारे काम से मतलब रखते हैं, ठीक है दादाजी का परदादाजी को वो देख लिया, नमस्कार कर लिया, उन्होंने अपने जो संपत्ति है हमको दादाजी को दे दिया, दादाजी ने पिताजी को दे दिया, पिताजी हमको दे दिया, हमें उससे मतलब है। अब बाद में पीछे वो रहे होंगे नहीं रहे होंगे, वो खाए होंगे पिए होंगे जो किए होंगे उनका अपना, तो उससे हम सोचते नहीं है, क्योंकि हमको केवल काम से मतलब है, हमको जो फायदा होता है उससे हमारा मतलब रहता है, आगे पीछे का मतलब नहीं रहता है। हम सोचते हैं भगवान बनाया होगा तो ठीक है, क्या हुआ बनाया ठीक है, हमें उससे क्या लेना देना, ये एक अलग दृष्टि है, ये काम चलाओ दृष्टि है, काम तो चलना चाहिए बस, उसके लिए जितना चाहिए उतना रखें। तो वो जो सत्य है सबके अंदर रहते हुए, सबका स्वरूप होता हुआ, सबका निर्माण करता हुआ, सबको जानता हुआ, और इतना ही नहीं वो सबका मेटीरियल कॉज स्वयं भी होता है, ये एक बहुत विशेष बात है, बनाने वाले भी होते हैं बनने वाले भी होता है, दोनों होते हैं, दोनों एक ही होता है, बनाने वाले भी और बनने वाले भी। तो ये एक विशेष है, ये जोड़ जोड़ करके जो बनाए हैं जानकारी रखने वाले होते हैं, ऐसा चिंतन करते हुए आप भगवत तत्व का साक्षात्कार कर सकते हैं। देखो साक्षात्कार करने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती, ये चिंतन से ही साक्षात्कार हो जाता है। अब जब आप सहस्रनाम का पाठ करेंगे, जब उसमें ऐसे ऐसे नाम आएंगे, उन नामों का आप चिंतन करेंगे कि ये नाम इसके लिए आया है, इसका अर्थ ये है, तो वही का वही आपको साक्षात्कार होता है, भगवत दर्शन हो जाता है। इसलिए नाम में नाम ही रहता है कहते, किसी का भी नाम देते हैं, लेते हैं ये वो शब्द का अर्थ आप जानते हैं तो तुरंत आपके मन में वो प्रकट हो जाता है। किसी ने लड्डू कहा, लड्डू का उच्चारण करते ही वो प्रकट हो जाता है। साक्षात्कार होता है कि नहीं होता, होता है, और लड्डू खाया होगा तो मुंह में पानी भी आने लगते हैं, इसका मतलब कुछ तो हो रहा है, कुछ अनुभूति हो रही है, अनुभव हो रहा है, ऐसा होता है भगवान का, ऐसा होता है जब आप उसको जानते हैं, उसका अर्थ को समझते हैं, तो नाम ग्रहण करते ही संत लोग उसका अनुभव करके आनंद का अनुभव करते हैं। जैसा आप लड्डू का नाम ग्रहण करने से आपको मिठास भी लग रहा है, वो सब कुछ हो रहा है ना, वैसा ही उनको भी अनुभव होता है, इसलिए वो आनंदित हो जाते हैं। तो ये बात को समझ करके हम इन नामों का विचार करेंगे, और जितना तक हो सके, अभी हमारे पास 4 दिन समय है, जितना तक हो सके उतना विचार करेंगे, आगे का फिर आगे बाद में करेंगे, तो पूरा तो होगा नहीं, तो धीरे धीरे चलेंगे,
अच्छा चिंतन होगा तो उसका साक्षात्कार होगा और आप लोग सभी मेरे ख्याल में यही चाहते हैं कि भगवत दर्शन भगवान का अनुभव अनेक प्रकार से हमको होते रहे, तो इस प्रकार से हम इसको चलाएंगे। आगे शाम का सत्र में देखें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु महाराज की जय। ओम।